नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित मांग मातंग समाज के अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ। कारण था कि किसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मीडिया कर्मियों पर भड़क गए और यहां तक कह दिया कि मीडिया को बाहर करो, मैं समाज वालों से बात करने आया हूं। इतना सुनते ही सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस पर इंदौर की मीडिया ने कार्यक्रम का बॉयकॉट कर दिया। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष और अन्य लोग गांधी भवन के बाहर मीडिया कर्मियों से गुहार लगाते रहे, परंतु मीडिया ने कहा कि कमलनाथ पहले सार्वजनिक तौर पर हमसे माफी मांगे, हमें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था तो ही हम कवरेज के लिए आए हुए थे। फिलहाल पूर्व में तय कार्यक्रमों के अनुसार कमलनाथ करीब रात्रि 8 बजे तक इंदौर में ही रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उधर मीडिया बायकॉट पर अड़ी हुई है। कुल मिलाकर प्रदेश में चुनाव नजदीक और कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस का चेहरा है। ऐसे में मीडिया को कार्यक्रम से बाहर निकालने के लिए मंच से घोषणा करना, इससे पूर्व इंडिया गठबंधन द्वारा टीवी एंकर्स के खिलाफ सूची जारी कर बहिष्कार की बात की गई थी। और अब कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मीडिया को ही विरोधी और बेकार बता दिया है। खैर, वर्तमान में मीडिया दो पैमाने पर काम कर रही है। जो मीडिया के तय मानक पैमानों पर काम करते हैं उनकी वजह से आज इतने घोटाले घपले सामने आ रहे हैं। एकदम सभी का बहिष्कार करना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जो मीडिया से जुड़कर गलत काम करेंगे उनका बहिष्कार करने की जगह आने वाला समय खुद उनकी रैपों को प्रमाणित कर देगा, क्योंकि इस विद्या में भी कई आए और कई चले गए हैं। लंबा वही चलता है जो तय पैमाने पर काम करता है। नेताओं को अपनी गिरेवा में झांकना जरूरी है, बजाय मीडिया को इस दल या उस दल से जोड़कर शंकीली भरी निगाहों से देखने के। वही आपको बताते चले, कमलनाथ और मीडिया के बीच बढ़ते विवाद को देख कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के मीडिया साथियों को वार्ता आयोजित कर बुलाया है। इंदौर से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज से।